हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्टी प्लस रिटोरी एनालिसिस। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो सेशन में मैं आपके साथ हिंदू और इंडिया स्पेसिफिक जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो डिस्कस करूंगा। तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से एडिटोरियल जो है वो प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन दोनों के लिए यूजफुल है। तो चलिए आगे बढ़ते और स्टार्ट करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि वीडियो के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो कि स्टैटिक पोर्शन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे और करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे, राइट। तो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर पाएँ। और आप में से जिन लोगों ने मेंस क्लियर किया है उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे आप मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम में इनरोल कर सकते हैं। एप्टी प्लस के दिल्ली में हो रही है, ये 1-to-1 सेशन होगी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के साथ, और इसकी जो रिकॉर्डिंग है आपके इंटरव्यू की वो भी आपको दी जाएगी, राइट। आप वो आपके कोई फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हो उनको आप एप्टी प्लस मॉक इंटरव्यू के बारे में बता सकते हैं। और जो लोग इस बार प्रीलिम्स दे रहे हैं उनके लिए प्रीलिम्स मॉक टेस्ट सीरीज है। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक दिए हुए, आप ज़्यादा जानकारी वहाँ से चेक कर सकते हो। तो आज है 7th of February। जो आर्टिकल है जो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से वीडियो भी डिस्कसिंग, तो इनडेप्थ एनालिसिस होगी लिसनिंग टू द कॉल ऑफ द इनफॉर्मल, और हिंदू से दो आर्टिकल है कॉम्प्लिकेटिंग द टैक्स रिजीम फर्दर, और जो दूसरा है डज द बजट डू एनफ इन प्रोवाइडिंग द स्टिमुलस टू ग्रोथ। इंडियन स्पेस से दो आर्टिकल है द बिलियन स्टैंडर्ड्स और कीपिंग द सदर्न नेबरहुड इंगेज्ड। तो ये टोटल 5 आर्टिकल है जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो आगे बढ़ते हैं और पहले शुरुआत करेंगे इनडेप्थ एनालिसिस के साथ। ये मैंने आज के हिंदू से लिया है। बात करें इस आर्टिकल के रेलेवेंस की, तो ये आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर 2 एंड जनरल स्टडीज़ के पेपर 3 तीनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के एनालिटिकल सवाल कई बार यूपीएससी आपसे मेंस एग्जामिनेशन में पूछ सकती है। तो ये जो पूरी टॉपिक है दैट इज़ मोर कंसर्न टू द मेन्स एग्जामिनेशन, ठीक है। प्रीलिम्स में बहुत हद तक कुछ सवाल इसमें नहीं बनते हैं। तो फर्स्ट, पूरे आर्टिकल में बात की गई है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर। जो इनफॉर्मल सेक्टर है उस पर कितना काम करने की ज़रूरत है, और जो फॉर्मल सेक्टर है इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ जो कन्वर्जन है उसकी, इनमें इनफॉर्मल से फॉर्मल की तरफ कितना जाने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ों की जो कॉन्सिक्वेंसेज है, जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, जो नेगेटिव एस्पेक्ट है, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे बताई गई है। तो फर्स्ट, जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल अदा करती है इकॉनमी में, एंड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की अगर बात करूँ तो जो पॉवर्टी इवेल्यूएशन है, ठीक है, पॉवर्टी ख़त्म करने, पॉवर्टी को इवेल्यूएट करने में इन चीज़ों में काफ़ी हद तक मदद मिली है इनफॉर्मल सेक्टर से। और अगर बात करें जो पूरी वर्कफोर्स है इंडिया में, तो उसमें ऑलमोस्ट जो 90% ऑफ द वर्कफोर्स दे आर इंगेज इन द इनफॉर्मल सेक्टर, और सिर्फ 10% ऐसे लोग हैं जो कि फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, राइट। मुझे उम्मीद है आपको इनफॉर्मल और फॉर्मल सेक्टर में डेफिनेशन पता होगा। इनफॉर्मल सेक्टर वैसे होती है जहाँ पे गवर्नमेंट की कोई रेगुलेशंस नहीं होती है। जो खुदरा व्यापारीज हैं, जैसे जो सब्जी बेचने वाले हैं, फल बेचने वाले हैं, ये जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, वो इनफॉर्मल सेक्टर्स में आते हैं। और जो लोग प्रॉपर ऑफिस सेटअप्स में काम करते हैं, जिनका पीएफ कटता है, सैलरी अकाउंट में आती है, ये सारी जो स्ट्रक्चर वे में काम करते हैं, दे आर कॉल्ड फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉइज, राइट। एंड द इनफॉर्मल सेक्टर आर नॉट रेगुलेटेड बेसिकली बाय द गवर्नमेंट, एंड दे मे नॉट बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द नेशनल एक्सचेकर इन टर्म्स ऑफ द टैक्सेज। तो वैसे लोग कहीं भी सरकार को टैक्स नहीं देते हैं, राइट। और जो अगर बात करें इंडिया के जो वॉइसेज है, जो टाइनी एंटरप्रेन्योरशिप है, या फिर जो लोग जो रूरल एरिया में रहते हैं उनके लिए ज़रूरत है, उनकी जो ज़रूरतें हैं उसको भी इग्नोर करनी नहीं करनी चाहिए सरकार को। तो उस तरह के वॉइस को प्रमोट करने की ज़रूरत है। तो आगे इस आर्टिकल में जो चीज़ें कही गई है कि गवर्नमेंट की जो विजन है, दैट बजट इस बार जो पेश हुई है, उसमें कहीं ना कहीं ये क्लियर की गया है कि जो इनफॉर्मल सेक्टर को लेकर के सरकार बहुत ज़्यादा विजनरी नहीं है, एंड द जो पॉलिसीज़ है जो लेकर के आ रही है सरकार, दैट इज़ नॉट मोर और लेस ओरिएंटेड टुवर्ड्स द इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ द कंट्री। एंड गवर्नमेंट एंड इट्स पॉलिसी जो एडवाइजर्स हैं उनके, दे आर ड्रेस्ड टू सेटअप द प्रिफर्ड चॉइस ऑफ द फॉर्मेलिटी, ठीक है। जो भी सिर्फ खाना पूर्ति की तरह से चीज़ों को की जा रही है, और जो इनफॉर्मल सेक्टर में जिस तरह से इन्फ्यूजन होनी चाहिए वो चीज़ नहीं हो रही। जैसे डीमोनेटाइजेशन के बाद आपको पता है, विमुद्रीकरण जिसको कहते हैं हिंदी में, उसके बाद हुआ क्या कि बहुत सारी चीज़ों को नो जो इनफॉर्मल सेक्टर थे उनमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखी गई। बहुत सारे लोगों को अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। जो MSMEs के जो सेक्टर्स हैं जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छे काम कर रहे थे, उनमें भी बहुत हद तक गिरावट देखी गई है। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों ने डैम्पन किया है जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो इकोनॉमी की जो पोटेंशियल है इस सेक्टर को, उससे ये बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट हुई है। नाउ इंपॉर्टेंट रिसर्च पेपर्स कुछ इस आर्टिकल में लिखे गए हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च है, उनके मुताबिक देर इज़ नो स्ट्रॉन्ग एविडेंस फ्रॉम द स्टडीज़ कंडक्टेड इन मेनी डेवलपिंग कंट्रीज़ दैट फॉर्मलाइजेशन इम्प्रूव बिजनेस आउटकम, ठीक है। ऐसे स्टडीज से पता चला कि फॉर्मलाइजेशन की तरफ अगर आगे बढ़ें तो कुछ ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिली है इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके अलावा एक जो दूसरी स्टडीज़ है जो आर्टिकल पब्लिश हुई थी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में,
उनके मुताबिक जो इकोनॉमिस्ट का कहना है कि जो फॉर्मलाइजेशन है एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि आपने आज कुछ किया उसका कल आपको रिजल्ट मिलेगा, ये ओवर द टाइम इवॉल्व होता है एंड ड्यूरिंग विच क्या होता है जो स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं या फिर जो कैपेबिलिटीज है उनकी जो रिक्वायरमेंट की दे ऑपरेट इन द फॉर्मल धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रो करती है एंड इट कॉन्ट्रीब्यूट टू द ग्लोबल इकोनॉमी। तो ये दोनों रिसर्च पेपर है, इस तरह के पॉइंट्स आप मेंस में इंक्लूड कर सकते हो। नाउ फॉर्मलाइजेशन का जो ट्रैप है जो इस आर्टिकल में डिस्कस है वो भी आप समझ लो क्या क्या है इसमें, जो की क्वेश्चंस है यार कि हु विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम द फॉर्मलाइजेशन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर। अगर इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मलाइज किया गया, फॉर्मल सेक्टर के अगर कुछ उसके रूप रेखा में अगर उसको ढाली गई तो किन को बेनिफिट्स होगा। गवर्नमेंट का कहना है कि इट वुड बी इजी टू मॉनिटर द टैक्स फॉर्म, ठीक है, उन लोगों को आराम से टैक्स के दायरे में जो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द टैक्स विल बी इंप्लीमेंटेड ऑन दोज पीपल। और इंडिया के जो अभी अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो कहीं ना कहीं जो इनफॉर्मल सेक्टर दैट प्रोवाइड द मेजोरिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटीज टू यूथ्स एंड पीपल कमिंग फ्रॉम द फार्म सेक्टर या फिर ऐसा कोई भी सेक्टर्स हो बेसिकली जहाँ पे इनकम लोग अर्न कर रहे हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट की जो इन्होंने बहुत ज़्यादा कैटर किया है टर्म्स ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर। तो अभी के टाइम में जिसमें आपको बताया कि 90% ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन द इनफॉर्मल सेक्टर, राइट, और जो पॉलिसी मेकर्स हैं दे नीड टू अंडरस्टैंड द डिमेरिट्स ऑफ द फॉर्मलाइजेशन, जो फॉर्मलाइजेशन की जो डिमेरिट्स है वो भी समझने की ज़रूरत है फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर इंटरप्राइजेस, ठीक है, कि क्या अगर उसको फॉर्मलाइज किया गया तो जितने लोग इस जगह पे हैं उनको किस तरह से क्या पॉलिसी सरकार लेकर के आएगी, तो जो प्रस्पेक्टिव होनी चाहिए वो इनफॉर्मल सेक्टर के हिसाब से करनी जाने की ज़रूरत है, राइट। नाउ आगे क्या क्या एडवांटेज हैं इनफॉर्मल सेक्टर्स के, तो अगर मोटे मोटे एडवांटेज की मैं बात कर रहा हूँ तो इट इम्प्रूव द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस इन द वेरियस सेक्टर्स इन द वेरियस वेज। अगर एग्जाम्पल की बात करें जो छोटे इंटरप्रेन्योर्स हैं उन्होंने गेन किया है एफिक एसोसिएशन विद द पीयर्स, ठीक है, उसके अलावा दे बेनिफिट्स फ्रॉम द मेंटोरिंग, जो उनके आसपास के लोग हैं जो ग्रुप है उससे उनको भी काफ़ी मदद मिली है। स्किल की अगर बात करें जो स्मॉल इंटरप्रेन्योरशिप है या जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं दे हैव बेस्ट डेवलप्ड देयर जॉब, ठीक है, एंड दिस इज़ बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड द इनकम बाय टेकिंग ऑफ देयर ट्रेनिंग। वो अभी स्किल ट्रेनिंग या कुछ उस तरह की ज़रूरत नहीं, बट सरकार को ज़रूरत है कि जो सॉफ्ट स्किल है उसको प्रमोट की जाए टू फॉर्म एन एसोसिएशन मैनेज द इंटरप्राइजेस एंड मैटर सच एज enterprises, hearts or resources of the finance and facilities. तो कुछ soft skill लाने की ज़रूरत है and in fact the soft skill will invariably will promote to the productivity of the enterprises that will depend upon their to the skill they had acquired, ठीक है, तो कहीं ना कहीं soft skill को promote करने की भी ज़रूरत है, right? Renovating the government policies, क्या क्या चीज़ें government ने लाई है इस बेसिकली इनफॉर्मल सेक्टर्स को लेकर के, तो अभी अगर रिसेंट इंडिया जॉब की बात करें, इनकम की बात करें, ग्रोथ चैलेंजेस की बात करें, तो ज़रूरत है एक रीओरिएंटेशन हो पॉलिसी में टुवर्ड्स द इनफॉर्मल सेक्टर और गवर्नमेंट मस्ट कम टू सपोर्ट द इनफॉर्मल एंटरप्राइजेस ऑन देयर ओन टर्म्स, राइट, जहाँ पे जो विजन है जो सपोर्ट प्रोसेस है दैट विल बी कमिंग फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर एज वेल। जो वॉइस होगी द वॉइस ऑफ द टाइनी एंटरप्रेन्योर्स जो स्मॉल जो छोटे टियर टू सिटीज़ में है उनको सुनने की ज़रूरत है। जो पॉलिसीज आए तो डेवलपमेंट पॉलिसीज है दैट शुड प्रमोट इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, तो अल्टीमेटली उनको काम करने में आराम हो, कोई इस तरह की पॉलिसीज नहीं हो जहाँ पे अल्टीमेटली फिर रेड टेपिज्म को बढ़ावा मिले एंड न्यू क्लस्टर ऑफ एंटरप्राइजेस नीड टू बी डेवलप एंड इट नीड टू बी स्ट्रेंथन, राइट। जो सोशल सेक्टर की बात करें जो सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है चाहे वो पेंशन की बात हो या फिर इंश्योरेंस की बात हो या फिर उस तरह से और जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है जहाँ पे ज़रूरत है कि इनफॉर्मल सेक्टर्स के लोगों को इंक्लूड किया जाए ताकि उसको अल्टीमेटली बेनिफिट्स मिल सके। फिर अगर हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूँ जहाँ पे अबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज है दैट मस्ट बी इम्प्रूव, जो डिसेबल लोग के जो बेनिफिट्स हैं या जो ओल्ड एज पेंशंस है उसको इन्हांस करने की ज़रूरत है। जो स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं दैट ऑल्सो नीड टू हैव अ सपोर्ट, उनको भी सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि एक वाइटल कॉन्ट्रीब्यूशन दे सके वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, और कहीं ना कहीं जो बॉटम स्ट्रेट ऑफ द इकोनॉमी है या जो लोग हैं जो बॉटम ऑफ द पिरामिड में है उनको अल्टीमेटली इसका बेनिफिट पहुँचे, राइट। तो ये सारी बातें की गई थी, आगे बढ़ते हैं और हिंदी से दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इस आर्टिकल को आपको इनडेप्थ एनालिसिस में समझा दिया है। नाउ कंप्लाइंग द टैक्स रिजीम फर्दर और डज द बजट डू एनफ इन प्रोवाइडिंग द स्टिमुलस टू द ग्रोथ, फाइन। सो जो ये दो आर्टिकल है ये बेसिकली इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो जनरल स्टडीज पेपर 3 के लिए अहम है इकोनॉमी रिलेटेड इशूज़ के लिए। यहाँ पे बात की गई है जो नए जो न्यू सिस्टम है वो फेल कर गई है कहीं ना कहीं मेजर रिलीफ देने के लिए इंडिविजुअल टैक्स पेयर को एंड रिमूविंग द इंसेंटिव टू द सेव द इन्वेस्टमेंट। और बात की गई है डज द न्यू टैक्स रिजीम विल रियली पुट मनी इन टू द हैंड्स ऑफ द टैक्स पेयर, या वाकई में इस चीज़ों को ऐसे इंप्लीमेंट की जाएगी, तो थोड़ा इन्होंने अपना पर्सनल ओपिनियन दिया है। अगर बात करें इंडिया के जो टैक्स पेयर हैं ओनली दे कॉन्स्टिट्यूट 2.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, जो इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें सिर्फ
2.5% लोग ऐसे हैं जो टैक्स देते हैं, और भारत में 60% लोग ऐसे हैं जो कि एग्रीकल्चर और एलीट सेक्टर में इंगेज्ड हैं, राइट। उसके अलावा जिस तरह से सरकार ने एलोकेशन, जो बजट एलोकेशन में ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ रुपए कम किए हैं, ओके, पहले जो थी वो ऑलमोस्ट क्लोज टू 71,000 करोड़ रुपए थी, अब इसको करके 61,000 करोड़ रुपीज़ कर दिया गया है फॉर नन, जो मनरेगा है बेसिकली, और पीएम किसान योजना के लिए। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, जहाँ पे इतने सारे लोग इस जगह पे इंगेज्ड हैं वहाँ पे बजटरी एलोकेशन कम की जा रही है। इस तरह के आर्टिकल मैंने पहले भी अपने एडिटोरियल एनालिसिस में डिस्कस किया है, तो अगर आप रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो आपको किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ आगे बढ़ते हैं, और एक आर्टिकल बेसिकली ये एक इंटरव्यू है जहाँ पे बात की गई है, जो बजट जो इस बार किया ही है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों पे, पैरामीटर्स पे खरी नहीं उतरी है। बात करें, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का कहना है कि इस बार के बजट में सिर्फ टारगेट सेट की गई है, ओके, कोई प्लान नहीं है कि हाउ दैट विल बी एग्जीक्यूटेड, एंड दिस इज़ मोर और लेस इज इट लाइक अ 5-year प्लान, ठीक है, एक 5-year के प्लान के तौर पे इसको देखा जा रहा है। ऑल्दो बजट हर साल आती है, बट इकोनॉमिस्ट का कहना है कि एक इस तरह का प्लान है जो 5-year में कंप्लीट होगा, राइट। और इकोनॉमिक सर्वे ने जिस तरह से स्ट्रेस दिया है फॉर द वेल्थ क्रिएशन एज अ सेंट्रल थीम, ये भी बहुत ही सही है सरकार का कदम, बट इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में बहुत ज़्यादा कमी है। तो देखना होगा बजट इन सारी चीज़ों को कैसे एड्रेस करती है। इससे रिलेटेड ये इंटरव्यू है, आप चाहे तो इस इंटरव्यू को पढ़ सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट फोडर पॉइंट है वो नोट करके अपने मेंस एग्जामिनेशन के लिए रख सकते हैं। नाउ हिंदू से कुछ दो बेसिकली इंडियन एक्सप्रेस से जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो मैं आपको बताऊंगा, द बिलियन स्टैंडर्ड एंड कीपिंग द सदर्न नेबरहुड इंगेज्ड। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं द बिलियन स्टैंडर्ड से, ये भी आज के जनरल स्टडीज पेपर 3 के लिए हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड बातें की गई है। इंडिया के जो पेमेंट है, जो बेसिकली UPI पेमेंट्स बोले या फिर और जो बेसिकली डिजिटल पेमेंट्स है, उसमें एक तरह का रेवोल्यूशन देखा गया है, एंड इंडिया हैज़ क्रॉस द टारगेट ऑफ बिलियन डिजिटल ट्रांजेक्शन मंथली, एंड नाउ इट इज चेजिंग टूवर्ड्स बिलियन ट्रांजेक्शन आर डे। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा रेवोल्यूशन हुआ है, कितने डिजिटल ट्रांजेक्शन को प्रमोट की गई है, और जो यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस है, जो प्लेटफॉर्म है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यूज़ कर किया जा रहा है। अभी आप देख सकते हो इंडिया में जिस तरह से भारत पे है, फ़ोन पे है, गूगल पे, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से काम कर रही है, दे आर बीइंग डूइंग नो कमेंडेबल जॉब इन टर्म्स ऑफ बूस्टिंग द इकोनॉमी, जो इंटर जो ट्रांजेक्शन्स है। अगर बात करें ओवरऑल, ओनली 17% ऑफ द इंडियन हैज़ अ बैंक अकाउंट टिल 2017, ठीक है, ये तो 2011 की डेटा की बात करें तो सिर्फ 17% लोग ऐसे थे जिसके पास बैंक अकाउंट था। अगर इसी पेस में बढ़ा जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ऑलमोस्ट क्लोज टू 30% to 50% है जो पूरे नो जैसे जनधन योजना में बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव हुई है उसके बाद से जो गवर्नमेंट लेकर के आई है, बट अगेन फुल फिनेंशियल इंक्लूजन लाने के लिए अभी भी टाइम लगेगी। और इस आर्टिकल में एक स्पेशल फोकस है, जिस तरह से गूगल ने लेटर लिखा है US फेड रिजर्व को कि 2 months आस्किंग द अबाउट द इंडिया डिजिटल पेमेंट एंड अनफेमिलियर फीलिंग विद द सेंट्रल बैंक, तो ये अगेन अ कॉज ऑफ कंसर्न। इस तरह के पॉइंट्स आप याद रखना ताकि मेंस में आप इंक्लूड कर पाओ। और जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ये वाली जो पॉइंट है ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में जानने की जरूरत है। जो इंडिया में जितनी भी डिजिटल ट्रांजेक्शन आप करते हो, दैट इज बींग कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो NPCI पे UPSC ने 2018 में प्रीलिम्स में एक ऑलरेडी सवाल पूछे हुए हैं, राइट। और जो UPI के जिस तरह से प्रॉपर रिवोल्यूशन हुई है उसके बारे में पूरी जिक्र है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और बेसिकली कीपिंग द सदर्न नेबरहुड इंगेज्ड, तो यहाँ पे बात की गई है जो श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं, बेसिकली ही वुड बी कमिंग टू इंडिया, तो महिंद्रा राजपक्षे नो बीइंग विजिटिंग टू इंडिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक मीटिंग होगी जहाँ पे हमारे जो बायलेटरल रिलेशंस है श्रीलंका के साथ उसमें क्या क्या चीज़ें इंप्रूव की जा सकती है उसके बारे में इस आर्टिकल को लिखा गया है। जो चाइना फैक्टर है, दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका रिलेशन, ठीक है। जो राजपक्षे के जो भाई हैं, ओके, हु इज द प्रेसिडेंट देयर, तो देखना होगा कि जो रिसेंट में चाइना के साथ जो रिलेशनशिप बिल्ट हुई है श्रीलंका की, तो दैट इज़ प्रो चाइना, ठीक है, कहीं ना कहीं श्रीलंका इज ऑलवेज अ प्रो चाइना। तो महिंद्रा राजपक्षे इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग श्रीलंका मैसिव स्ट्रैटेजिक चाइनीज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जैसे हम्बनबोटा अगर पोर्ट की बात करें तो वहाँ पर चाइना की बहुत ही ह्यूज इन्वेस्टमेंट रही है। और गोताबाया राजपक्षे, जो मैंने आपको बताया, ही इज अ ब्रदर, इज अ दे बोथ ब्रदर आर प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर इन द कंट्री। नाउ व्हेन ही विजिटेड, तो इंडिया ने अनाउंस किया था $50 million लाइन ऑफ क्रेडिट देने के लिए फॉर टेररिज्म एंड काउंटर एक्टिविटीज, और $400 million दिए गए थे फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन द श्रीलंका।
और जिस तरह से सरकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई है जहाँ पर 6 माइनॉरिटीज फ्रॉम श्रीलंका यू नो अफगानिस्तान पाकिस्तान एंड श्रीलंका दीज पीपल आर इंक्लूडेड, तो वहाँ पे कैसे चीज़ें इंक्लूड होगी, वो कैसे एग्जीक्यूट होगा, इस प्रोसेस को आगे कैसे लेकर के जाया जाए, ये सारे देखने के मुद्दे होगी। तो देखना होगा जब बायलैटरल रिलेशनशिप इस पर जो भी इसके बाद जो फॉलोअप एडिटोरियल होगा वो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको उस टाइम पर बताऊंगा मीटिंग के बाद में, राइट। जब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे, जो पहला सवाल है वो है जनरल साइंस की तरफ से, तो आपको बताना है कि जो आर्सेनिक है उसके कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आर्सेनिक इज हाईली टॉक्सिक इन ऑर्गेनिक इन ऑर्गेनिक फॉर्म और जो आर्सेनिक है इज नेचुरली प्रेजेंट इन द ग्राउंड वाटर, ठीक है। तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है वो आप मुझे बताएंगे, ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है या डी करेक्ट है, राइट। जो अपने आंसर है वो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। और जो दूसरा सवाल है वो करंट अफेयर का है, तो आपको बताना है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड अ एक्सपर्ट ग्रुप ऑन द डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज पी के कृष्णा, राजीव गौबा, बी एन श्रीकृष्णा और अरविंद सुब्रमण्यम। तो ए बी सी डी जो भी आपको करेक्ट आंसर लगता है वो बता सकते हैं, आपको पूरे नाम लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, नो यू विल बी गेटिंग द जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है, कंपाइलेशन इकॉनमी सर्विस के आ चुके हैं, बजट की वीडियोज़ ऑलरेडी है, पीआईबी आ चुकी है, पीआरएस आनी है, तो ये सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे ताकि आप अपने एग्जामिनेशन प्रोसेस को और इजी कर सको, राइट। एंड आई सिंसियरली थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो, अगर कोई भी कंसर्न हो तो हमें जरूर बताएं, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। फॉर टाइम बिंग आई एम साइनिंग ऑफ, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।